दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल झारखंड दौरे पर आने वाले हैं, जिसको लेकर के सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती हुई नजर आ रही है कि तमाम विपक्षी एकजुट हो रहे हैं, मोदी सरकार के खिलाफ तो ऐसा नहीं होगा, तीसरे टेन्योर में भी भारतीय जनता पार्टी ही वापस आएगी, प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ही आने वाले हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल यहाँ पर केंद्र सरकार ने जो अध्यादेश जारी किया था उसके खिलाफ में विपक्षी एकता को देखते हुए यहाँ पर वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने आने वाले हैं। आपको बता दें कि जहां एक तरफ आप भारतीय जनता पार्टी की बात सुन रहे थे, वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करेंगे, कांग्रेस कह रही है कि फिलहाल हमें अभी यहां पर जानकारी नहीं है कि आखिर किस मुद्दे को लेकर के वो मिलने आ रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है। तो वहीं जेएमएम की बात करेंगे तो उनका कहना है कि एक अच्छी पहल है और जो मुहिम वो लेकर के आगे बढ़ रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ, उसमें जरूर हम लोगों का समर्थन उन्हें मिलेगा। सीधे सुनिए तीनों ही दलों ने यहां पर क्या कुछ कहा है अरविंद केजरीवाल के आने को लेकर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो खैर कोई चिंता नहीं हो रही है, लेकिन ये चिंतित लोग हैं और ये सारे लोग भ्रष्टाचार के संरक्षक लोग। आज देखिए, चाहे वो नीतीश कुमार जी हों, आज लालू प्रसाद जी के पार्टी से और उनके सारे भ्रष्टाचार को के आरोप को धोते हुए आज गठबंधन से सरकार चला रहे हैं। अब केजरीवाल जी यहाँ इसलिए आ रहे हैं, यहाँ भी शराब का घोटाला और दिल्ली में भी शराब का घोटाला, दोनों जगह के शराब के घोटाले हुए हैं और शराब के घोटाले बाद उसके संरक्षक दोनों मिल के बात करेंगे। तो आप देखेंगे सारे भ्रष्टाचारी जो हैं वो आज मोदी विरोध के नाम पर एकजुटता का नाटक कर रहे हैं। दरअसल सभी अपने अपने वजूद के लिए, अपने अपने अस्तित्व के लिए चिंतित हैं और पूरे देश में एक वातावरण बनाना चाहते हैं कि हम मोदी सरकार को हटाएंगे। ये हटाने वालों की ताकत से बड़ी ताकत देश के 141 करोड़ जनता की ताकत है। इसने मोदी जी को सेवा का अवसर दिया है। 10 वर्षों तक मोदी जी ने भारत का जिस प्रकार से विकास किया है, जिस प्रकार से भारत का महिमा मंडन किया है, जिस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया है, जिस प्रकार से स्वाभिमानी भारत को बढ़ावा दिया है, जिस प्रकार से एक भारत श्रेष्ठ भारत को महिमा मंडित किया है, राज्य की देश की जनता जानती है। इसलिए ये केवल और केवल ख्याली पुकाव पकाने वाले लोग हैं। राज्य की जनता और देश की जनता इन सारी चीज़ों को, इनकी मानसिकता को, इनकी नीतियों को जानती है। इसलिए इससे भारतीय जनता पार्टी के अभियान पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम पर और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के जो कार्यक्रम हैं उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब तो जिनको समर्थन देना है और जिनको लेना है वो जाने कि वो क्या समर्थन देंगे, क्या बोलेंगे, ये तो आने के बाद पता चलेगा। लेकिन समर्थन से ज़्यादा उनकी घबराहट, और एक घबराहट के लिए ये सब एक दूसरे के दरबारी कर रहे हैं, एक दूसरे के यहाँ भाग दौड़ कर रहे हैं और अपने झेप को मिटाने के लिए जनता के बीच में ये बताने के लिए कि नहीं, हमको कोई चिंता नहीं है, जनता इस बात को जानती है और सबका जवाब 2024 में मिल जाएगा। तो क्या कहेंगे, वो किस लिए आ रहे हैं, तो मीडिया में आ रही है बातें, वो तो आकर के क्या बोलते हैं आप देख लें, क्या बोलते हैं फिर उसका, लेकिन मकसद समर्थन जुटाना नहीं है। समर्थन जुटाना था तो दिल्ली से भी कर सकते थे। ये घबराहट है जनता के बीच में एक दूसरे राज्य में जाकर के यह बताना कि हम सब बहुत ही पाक साफ है और मोदी जी के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। नहीं, देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी झारखंड आ रहे हैं, इसकी कोई आधिकारिक सूचना हम लोगों के पास नहीं है। आप मीडिया के माध्यम से यह पता चला है कि अरविंद केजरीवाल जी झारखंड आ रहे हैं और वो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मिलेंगे। अब किस मुद्दे पर वो मिलेंगे, किस मुद्दे पे वो बातचीत करेंगे, हमें लगता है कि ये अच्छी तरीका से या तो अरविंद केजरीवाल जी ही बता पाएंगे
या फिर चर्चा होने के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री ही बता पाएंगे, क्योंकि हम लोगों के पास इसका कोई आधिकारिक सूचना है नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि जब आधिकारिक सूचना नहीं है तो किस मुद्दे पे वो आ रहे हैं, क्या बातें करेंगे, तो हम इस पर विस्तार से कोई बात कर नहीं सकते। उन्होंने आधिकारिक पुष्टि की आप बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से भी ये चीज़ लोगों के बीच रख दी है कि वो 2 तारीख को झारखंड के मुख्यमंत्री से मुलाकात करें। ठीक है, उनका ट्विटर अकाउंट है, वो अपना रखे हैं, लेकिन मैंने ये कहा कि हम लोगों के पास कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। तो जब आधिकारिक सूचना नहीं है तो फिर उस पर कोई बात जो है करना भी उचित नहीं है। देखिए, केजरीवाल जी एक योद्धा हैं, तानाशाही की सरकार से लड़ने के मामले में। हेमंत सोरेन जी भी वही मादा है, वही जुनून है, और दोनों लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, युवा हैं। निश्चित रूप से वो अगर इन विषयों को लेकर आ रहे होंगे तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी से मुलाकातें होंगी, बातें होंगी, और जो तानाशाही रवैया है केंद्र की सरकार का, उसमें निश्चित रूप से कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात आएगी, तो सब साथ हैं हम लोग। तो जो केंद्र की का रवैया जो है उसमें सभी दलों को एकजुट होना होगा और विरोध करना होगा। आज आप देख रही हैं हमारे देश की बेटियां किस तरह सड़कों पर हैं, और इनके व्यभिचारी सांसद जिन पर आरोप है वो खुलेआम घूम रहे हैं। 86 बहुत गंभीर मुकदमे हैं उन पर दर्ज। तो देश की हालात क्या है आप देखिए, जो तानाशाही या तानाशाहों की सरकार है उसके खिलाफ गोलबंद होना होगा, वक्त की पुकार है। केजरीवाल जी आ रहे हैं, निश्चित रूप से बातें होंगी और एक सकारात्मक संदेश जाएगा। क्या लग रहा है अगर विपक्षी एकता को लेकर के भी चर्चा हो सकती है, जो लगातार नीतीश जी भी लेकर के आए थे ये मामले को लेकर? देखिए, जब 2 राजनेता मिलेंगे, वो भी लोकप्रिय राजनेता और जो लड़ने की क्षमता रखते हैं तानाशाहों से, तो बातें होंगी। और विपक्षी एकता आज समय की ज़रूरत है। जो भी पहल की जा रही है बहुत बेहतर प्रयास है, हाँ मुझे लगता है इसमें सफलता मिलेगी। सभी दलों को आपसी मतभेद बुलाकर, आपसी स्वार्थ को त्याग कर एकजुट होना होगा, एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा, और मुझे लगता है सकारात्मक पहल है और सकारात्मक चीज़ें आगे बढ़ रही हैं।